एक्सपेरिमेंट नंबर 6, इवैल्यूएशन ऑफ मेड्रियाटिक इफेक्ट ऑफ एट्रोपीन ऑन द रैबिट आई। इसमें आप एट्रोपीन ले रहे हैं 0.5 से 1% तक, रैबिट को रेस्ट्रेन करेंगे और हम लाइट रिफ्लेक्स और कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करेंगे। और अगर हमारे पास प्यूपिलरी अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं एट्रोपीन आई के अंदर, राइट आई जो है इट विल सर्व एज ए कंट्रोल, लेफ्ट आई विल सर्व एज ए ट्रीटर। और हम जो है एनिमल का प्यूपल साइज भी चेक करेंगे अगर हम इंस्टॉल करते हैं ड्रग को। अब आप ऑब्जर्वेशंस पे आ जाइए। तो क्योंकि फिलहाल जो है वो प्यूपल ऑफ साइज हम नहीं ले सकते क्योंकि एनिमल अवेलेबल हमारे पास जब होगा तब हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे इसकी। तो लाइट रिफ्लेक्स और कॉर्नियल रिफ्लेक्स आपने फाइंड आउट करना है। तो राइट आई जो है वो कंट्रोल थी और लेफ्ट आई ट्रीटेड थी, और डी ए का मतलब है बिफोर आफ्टर, माइनस जब लगा हुआ है तो इसका मतलब है एबसेंट है। अब यहाँ पे देखिए, राइट आई लेफ्ट आई बिफोर आफ्टर सेम इफेक्ट है लाइट रिफ्लेक्स। बिफोर हमने 3+ साइन लगाए मतलब फुल कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है पिपिलरी, और यहाँ माइनसिस हुआ है। यहाँ पे क्या है माइनस, ए बी माइनस मतलब एबसेंट। तो जब हम एट्रोपीन डालते हैं और एट्रोपीन डाल के क्या होता है, एट्रोपीन डालने से मिड्रियासिस होता है, एट्रोपीन डालने से मिड्रियासिस होगा और एक्शन होगा इसका सर्कुलर मसल्स के ऊपर। और यहाँ पे जब मिड्रियासिस हो जाएगा और हम लाइट रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्स यहाँ पे एबसेंट होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने माइनस और ए बी लिखा हुआ है, मतलब एबसेंट है लाइट रिफ्लेक्स। साइक्लोप्लेजिया भी कराती है एट्रोपीन, जिसकी वजह से भी लाइट रिफ्लेक्स जो है वो बिल्कुल एबसेंट होता है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स यहाँ पे राइट आई और लेफ्ट आई मतलब ट्रीटेड और कंट्रोल दोनों में सेम रहेगा। रिजल्ट डिस्कशन आपने खुद ही लिखना है, रिजल्ट बताना है आपने कि क्या चीज़ एबसेंट है और क्या चीज़ प्रेजेंट है ट्रीटेड आई में रैबिट की। और डिस्कशन में आपने बताना है कि मसल्स कौन से इन्वॉल्व हैं, कौन सी नर्व सप्लाई है, सिंपथेटिक या पैरासिंपथेटिक, मिड्रियासिस करा रहा है या साइकोप्लेजिया करा रहा है। यू हैव टू राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज इवैल्यूएशन ऑफ मिड्रियाटिक इफेक्ट ऑफ फेनाइलएफ्रिन और रैबिटाई। सो फेनाइलएफ्रिन एक सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है, रेडियल मसल सप्लाई करते हैं और इसकी जो इनर्वेशन है वो सिंपथेटिक नर्व्स जो हैं वो सप्लाई करती हैं मसल्स। तो यहाँ पे जो है वो मिड्रियासिस होगी क्योंकि रेडियल मसल्स हमेशा जब स्टिमुलेट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनकी पुपुलरी डायलिटेशन होती है। अब इनकी ऑब्जर्वेशन की तरफ आ जाते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा, लाइट रिफ्लेक्स ये कंट्रोल आए हैं, बिफोर आफ्टर सेम रहेगा, ट्रीटेड में भी बिफोर आफ्टर सेम रहेगा लाइट रिफ्लेक्स, और कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो कंट्रोल और ट्रीटेड में बिफोर आफ्टर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीट रहेगा, कोई पार्शल नहीं होगा। आप इंफ्रेंस में खुद से लिख सकते हैं कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड लाइट रिफ्लेक्स वॉज इंटैक्ट एंड इट वॉज प्रेजेंट completely. Next experiment is evaluation of mitotic effect of pilocarpine on the rabbit eye. So pilocarpine का जो effect है जो light reflex है वो इसका partial होता है और physostigmine अभी partial होता है। तो pilocarpine में जो है control eye में before after जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, similar रहेगा light reflex। अच्छा, और मेडिसिन डालने से पहले लाइट रिफ्लेक्स ट्रीटेड आई में सेम रहेगा, लेकिन आफ्टर 20 मिनट्स जो इफेक्ट है वो मियोसिस का, मतलब पिलोकार्पिन एक मायोटिक ड्रग है तो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन होगी। फिर उसके हम थोड़ी देर बाद जब हम लाइट डाल के देखेंगे तो थोड़ी सी मजीद होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो इसलिए पार्शल, या फिर इसका हम ये कहेंगे ये स्लाइटली प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन होती है, वेयर एज कॉर्नियल रिफ्लेक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। तो ये कंट्रोल और ट्रीटेड आई दोनों में सेम रहेगा। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ मायोटिक इफेक्ट ऑफ फाइसोस्टिग्मिन ऑन द रैबिट आई। तो फाइसोस्टिग्मिन जो है एक इनडायरेक्ट कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, मतलब इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग है और ये कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, और ये ब्लॉक करती है ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो इसका इफेक्ट जो है इट इज लाइक पिलोकार्पिन ऑन द आई। अब इसके ऑब्जर्वेशन नोट कर लेते हैं।
इट इज लाइक पिलोकार्पीन, जैसा पिलोकार्पीन में इफेक्ट आया था कि स्लाइट इसमें जो है प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हुई थी, क्योंकि ये मियोसिस कराती है फाइसोस्टिग्मीन, तो हम जब टॉर्च डाल के लाइट डाल के रिफ्लेक्स देखेंगे तो बहुत थोड़ी सी होगी, क्योंकि हमारे पास और ज्यादा हो नहीं सकती, और कितना होगा, मियोसिस जो है वो जगह नहीं होती इतनी आई के अंदर। और कॉर्डियल रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट रहेगा थ्रू आउट, बिफोर आफ्टर, ट्रीटेड में और कंट्रोल में। तो इसका रिजल्ट डिस्कशन भी आपने खुद अपने वर्ड्स में लिखना है, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट का लिखा है। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क। थैंक यू सो मच।